वहीं ब्राजील के पेट्रोपोलिस में तूफान ने खूब तबाही मचाई है, जिसमें कि पेट्रोपोलिस शहर के 4 लोगों की मारे जाने की खबर है। तो वहीं पूरे ब्राजील में 13 लोग मारे जा चुके हैं। शनिवार को 24 घंटों की अवधि में तूफान के कारण 270 मिलीमीटर बारिश हुई, जो शुक्रवार से रविवार तक प्रतिदिन अपेक्षित 200 मिलीमीटर बारिश के पूर्वानुमान से कहीं अधिक है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में लैंडस्लाइड भी हुआ और 16 घंटे मलबे में दबी रही एक बच्ची का रेस्क्यू किया गया। तो वहीं करीब 100 लोगों को अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है।